हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपका दिन घर से ज्यादा जॉब, कॉलेज या फिर स्कूल में बीतता है और इसी की वजह से आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, तो आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि ज्यादातर लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि हम सारा दिन बाहर रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम कुछ हेल्दी बनाकर ले जाएं जो कि सारा दिन चल सके, और बाहर हमें जो कुछ भी मिल जाता है हमें उसे मजबूरी में खाना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी, ऐसी कुछ ही नहीं, बहुत सारी हेल्दी चीजें हैं जिन्हें आप रेडीमेड ले सकते हैं या फिर घर पर इजीली बनाकर ले जा सकते हैं। ये सारा दिन आपका पेट भी भरा रखेंगी और आपकी बॉडी को ढेर सारा फायदा भी देंगी। इन चीजों को खाने से ना सिर्फ आपका वजन कम होगा, बल्कि आप अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और अनहेल्दी खाने से होने वाली बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताई गई बातों को जरूर फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आप ये रूल बना लें कि आपको जो भी खाना है हेल्दी खाना है, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच, डिनर या आप जब भी कुछ भी खाते हैं तो आपको हेल्दी मील्स ही लेना है। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना। कर्ड, दही या छाछ आपको आसानी से कैंटीन या मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप घर से दही ले जाते हैं फिर तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो रेडीमेड आप इसे मार्केट से ले सकते हैं। खाने के साथ या खाने के बाद आप दही जरूर खाएं। दही या छाछ खाने के स्वाद को बढ़ा देता है और डाइजेशन भी अच्छा रखता है। ड्राई फ्रूट, इन्हें कैरी करना बहुत ही आसान होता है और ये जल्दी खराब भी नहीं होते। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देते हैं और वजन भी नहीं बढ़ाते। आप हर रोज 4 काजू या फिर जो अखरोट की गिरी होती है आप उसे खाएं, और आप बादाम भी खा सकते हैं। अगर बादाम को आप पानी में भिगोकर और उसका छिलका निकालने के बाद खाते हैं फिर तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप ऐसे ही पैक करके इन्हें ले जा सकते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है, जब भी आपको मील्स के बीच में भूख लगे या शाम को चाय के साथ आपको कुछ खाने का मन करता है तो आप काजू, बादाम, अखरोट या फिर मखाने और आप मूंगफली के दाने भी खा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिना तले हुए और बिना नमक के होने चाहिए। सैंडविच के नाम पर तो वैसे भी मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जो सैंडविच मार्केट में मिलता है आपको उसे नहीं खाना है। आप अपनी कैंटीन से एक हेल्दी सैंडविच बनवा सकते हैं। कोशिश करें कि आप सिर्फ आटा ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड आता है आप उसे खाएं, उसमें ढेर सारे सैलेड डलवा लें जैसे खीरा, टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, गाजर आदि। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसमें आप घी, बटर या फिर चीज ना लगवाएं। ये चीजें कभी कभी खाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर रोज खाने से आपका फैट बढ़ने लगेगा, इसलिए सैंडविच में सैलेड के साथ आप हरी चटनी लगवा सकते हैं तो फिर ये बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। आपकी कैंटीन में जो भी हेल्दी सब्जी बनी हो या फिर आप बॉइल्ड अंडे को मैश करके उसमें नमक, हरी मिर्च और प्याज अदरक मिक्स करके उसका सैंडविच बनवाकर खा सकते हैं। आप उबले अंडे भी खा सकते हैं। याद रखें, आपको ऑमलेट नहीं खाना है, सिर्फ बॉइल्ड एग ही खाना है। पनीर एक हाई प्रोटीन फूड है जो कि आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। पनीर खाने से आपकी बॉडी को बहुत फायदा भी मिलेगा। कच्चा पनीर तड़के वाली सब्जी से कई गुना बेहतर है क्योंकि इसमें तेल और मसाले नहीं होते। आप मार्केट से पनीर लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उस पर आपको नमक, हरी मिर्च, काली मिर्च का पाउडर डाल लेना है और आपका पनीर खाने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको ज्यादा भूख लगी है तो आप कच्चे पनीर के साथ चटनी डलवाकर सैंडविच बनाकर भी खा सकते हैं। सीड्स, कई तरह के बीज भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, लेकिन हम इन्हें अक्सर अनदेखा कर देते हैं। बीजों को लोग सदियों से खाते आ रहे हैं। आजकल की जनरेशन के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इन बीजों को छीलकर खाएं, इसलिए आप इन्हें मार्केट से रेडीमेड खरीद सकते हैं। बाजार में हर तरीके के बीज मिल जाते हैं, जैसे तुलसी के बीज, अलसी के बीज, खरबूज के बीज, चिया सीड्स आदि। ये सिंपल भी मिलते हैं और रोस्टेड भी। इन्हें भी आप अपने पास रख सकते हैं और स्नैक्स की जगह आप इन्हें खा सकते हैं। नारियल पानी हमारी सेहत के लिए मानो कोई वरदान है। अगर आप हफ्ते में 3 बार भी नारियल पानी पी लेते हैं तो इससे आपकी हेल्थ तो अच्छी होगी ही, साथ ही आपकी स्किन पर भी ग्लो आएगा। कॉलेज या जॉब से आते जाते रास्ते में आपको कोई ना कोई नारियल पानी वाला तो जरूर मिल जाएगा, तो आप उसे अनदेखा ना करें और एक नारियल पानी पीना तो बनता ही है। फ्रूट्स, कुछ फल ऐसे होते हैं जिन्हें आप ट्रेवल करते टाइम भी खा सकते हैं, जैसे कि एप्पल। इसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं और दिन में किसी भी टाइम आप खा सकते हैं, ये जल्दी खराब भी नहीं होता। और दूसरा है केला। केला भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप केले को भी कहीं भी ले जा सकते हैं और केला भी आप खा सकते हैं। केले में कैलोरी जरूर होती है, पर आप बाहर जो जंक फूड खाते हैं
ये उससे तो कई गुना बेटर है। अगर आपके पास टाइम हो तो कुछ कटे हुए फ्रूट्स भी आप अपने पास रख सकते हैं, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन या जो भी आपके शहर में सीजन का फल हो आप उसे साथ ले जा सकते हैं। फल आप जितना खाएंगे उतना ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ग्रीन टी, दिन में कम से कम एक बार ग्रीन टी जरूर पिए। आपकी आधे से ज्यादा बीमारियां सिर्फ एक इजाजत से ठीक हो सकती हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ग्रीन टी बैग अपने पास रखने हैं और जब भी आपका ग्रीन टी पीने का मन करता है आप एक कप गर्म पानी लें, इसमें 4-5 मिनट के लिए ग्रीन टी बैग को इन्फ्यूज कर देना है, बस हो गई आपकी ग्रीन टी रेडी। ग्रीन टी आपकी रेगुलर चाय से कई गुना बेहतर है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता तो आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नींबू और शहद भी डाल सकते हैं। सैलेड, सैलेड नाम से ही बोरिंग लगता है लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है और आप इसे और भी मजेदार बना सकते हैं। गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, इनके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है जैसे कि उबले चने, राजमा, मूंगफली के दाने। इन चीजों को डालने से इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और आपका पेट भी भरा रहेगा और सेहत को भी फायदा मिलता है। इसे आप चाहें तो ब्रेकफास्ट और लंच में भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखकर आपको इतना पता तो चल ही गया होगा कि सारे दिन बाहर रहकर भी आप अपनी हेल्थ का ध्यान किस तरीके से रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और आप मेरे वीडियो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।